हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। ए के टी वी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि अब उनको अपनी डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ, अब 3 साल में भी मिल सकेगी बीटेक की डिग्री। एनईपी लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में सहमति। अभी ये बीटेक के लिए बात बोली गई है, बीफार्मा या अदर कोर्सेज के लिए बात नहीं बोली गई है। तो पूरी न्यूज़ जानते हैं। इंजीनियरिंग के छात्रों को अब 3 साल में भी डिग्री मिल सकेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस व्यवस्था को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रविधिक विश्वविद्यालय एकेटीयू में लागू करने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र की अध्यक्षता में मंगलवार को बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में इस पर विचार पर चर्चा की गई। बैठक में बीटेक छात्रों को फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट पोल का मौका देने पर मंथन हुआ। यदि कोई छात्र किसी कारण 4 वर्ष का बीटेक कोर्स नहीं पूरा कर पाता तो उसे 3 साल में ही एग्जिट करने का विकल्प मिलेगा। ऐसे छात्रों को बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी। सुनिएगा, जो स्टूडेंट 3 साल में ही अपनी डिग्री लेना चाहते हैं उनकी डिग्री में बैचलर ऑफ वोकेशनल जो है वोकेशनल एजुकेशन लिखा होगा और ये डिग्री उनको दी जाएगी। इससे छात्रों के भविष्य पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसी क्रम में बीटेक छात्रों को सामान्य डिग्री के साथ ही माइनर डिग्री देने पर भी विचार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एकेटीयू में कई माइनर कोर्सेज जो हैं वो इस बार चलाए जा रहे हैं। तो माइनर कोर्सेज कई तरह के होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, IoT, इस तरह के कुछ कोर्सेज होते हैं। तो जो स्टूडेंट है अपने 4 साल के अपने 3 साल के कोर्सेज में इन कोर्सेज को अलग से कर सकता है, उसके लिए उनको अलग से क्रेडिट भी दिया जाएगा, जिसका मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ था। और डिग्री के साथ ये कोर्सेज को एज अ माइनर डिग्री काउंट करते हुए ये डिग्रियां भी आपको दी जाएंगी। बैठक में विशेषज्ञता के लिए बीटेक में ऑनर्स डिग्री देने पर भी विचार किया गया। बैठक में परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी, डीन UG प्रोफेसर गिरीश चंद इत्यादि लोग मौजूद थे। तो यहाँ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी कारणवश अपनी फाइनल ईयर नहीं कर पाता है तो ऐसे स्टूडेंट को 3 साल में डिग्री दे दी जाएगी और उनकी डिग्री में जो है बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ लिखा होगा। इसके साथ ही अगर कोई स्टूडेंट माइनर डिग्री कोर्स करता है तो उसको माइनर डिग्री भी दी जाएगी। अदर न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपको पता है कि अब इंजीनियरिंग में हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होने वाली है। हिंदी की पढ़ाई के समय जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको इंग्लिश में यूज़ करने पड़ेंगे, और इसके साथ ही जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बनेगा। तो AKTU विद्यार्थियों के लिए यही खुशखबरी थी कि अब उनको 3 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 3 साल में उनकी अच्छी जॉब लग जाती है, गवर्नमेंट जॉब लग जाती है या अच्छे PSU उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी जो है वो पढ़ाई को छोड़ करके जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और उनको डिग्री भी AKTU दे देगा। तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल द AKTU स्टूडेंट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।